भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मीटिंग में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें पाकिस्तान का सीधा संबंध है और सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। जेटली ने बताया कि सरकार ने इस दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। जेटली ने कहा कि भारत इस हमले के मद्देनजर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बेनकाब करेगा और उसे आतंक के मुद्दे पर दुनिया भर में अलग थलग करेगा। जेटली ने कहा कि जो लोग भी इस हमले में शामिल हैं, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ेगी। पाकिस्तान से MFN स्टेटस वापस लेने के बाद उसे खरबों का झटका लगेगा। साल 2012 के एक आंकड़ों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच $2.60 बिलियन एक खरब से ज्यादा का व्यापार होता है। ऐसे में व्यापारिक मामलों में पाक को बड़ा नुकसान होगा। WTO के सदस्य के तौर पर हर देश को एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना होता है। साल 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। WTO के अनुसार मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट का मतलब है कि कोई देश अगर व्यापार से जुड़े बाधाएं कम करता है या अपने बाजार को खोलता है तो उसे यह सभी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ करना होगा। कोई देश इस मोर्चे पर ट्रेडिंग पार्टनर के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट के तहत पाकिस्तान के व्यापारियों को वे सभी रियायतें मिल रही थी जो भारत दूसरे देशों को देता है। साल 2006 में जम्मू कश्मीर स्थित उरी हमले के बाद भी भारत की ओर से मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की समीक्षा की गई थी। उस वक्त भी यह मांग की जा रही थी कि पाकिस्तान से MFN का दर्जा वापस ले लिया जाए। हालांकि इसे जारी रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तरफ से ऐसी कायराना हरकत के लिए अब पाकिस्तान को हर चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। TTN न्यूज की रिपोर्ट। TTN न्यूज फाउंडेशन जरूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन चीजें देकर उनकी शिक्षा में मदद करता है। हमारी इस मुहिम से जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमें बढ़ावा दे कि हम और इन जरूरतमंद बच्चों की मदद कर सके। धन्यवाद। TTN न्यूज।